हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद मंजुला में। आज हम बनाने वाले हैं मीठी सेवई, जो हम बिना दूध के बनाएंगे और जो लगभग 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इसे अपने घर पर बनाइए और कमेंट पर मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये स्वीट डिश है और बहुत ही टेस्टी डिश है। इसे बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले सेवई, चीनी, शुद्ध घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम करेंगे, फिर उस पर घी ऐड करेंगे और घी को गरम होने देंगे। जब घी गरम हो जाएगा तो हम उसमें अपनी सेवई ऐड करेंगे वर्मसिली और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे और इसे चलाते रहेंगे और मीडियम गैस रखेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे से जल जाती हैं, इसलिए कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से सुनहरी नहीं हो जाती हैं। देखिए ये धीरे धीरे ऐसे भुन रही हैं, कंटिन्यू चलाना है इसको। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगी। जब ये हल्की भुन जाएंगी तो इसमें हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर देंगे। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए और हम इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे। ये देखिए ये हमारी सेवई भुनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे और ये सेवई प्लेट पर निकाल लेंगे अलग। और उसके बाद कढ़ाई को फिर से गरम करेंगे। ये देखिए निकाल ली सेवई प्लेट पर। अब उसी कढ़ाई को वापस गरम करेंगे और उसमें लगभग एक गिलास पानी ऐड करेंगे और पानी को गरम होने देंगे और उसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी जितनी हम सेवई लेंगे लगभग उतनी ही चीनी लेनी है क्योंकि ये मीठी सेवई है तो अच्छी मीठी होनी चाहिए। ये चीनी हमारी घुल गई है। अब हम इसमें भुनी हुई सेवई ऐड कर देंगे और इसे पकने देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा चला देंगे इसको ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और ढक कर रख देंगे। 5 मिनट के बाद फिर देखेंगे, चेक करेंगे, इसको वापस चलाएंगे और फिर से ढक कर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। धीरे धीरे ये पकेंगी अच्छे से, ढक कर रखेंगे। वापस इसको 5 मिनट बाद चेक करेंगे, अभी भी हमारी सेवई पकी नहीं है अच्छे से। फिर से इसको चलाकर देखेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसका सारा पानी सूख जाए और उसको छूकर भी देखेंगे। जब हमारी सेवई अच्छे से दबने लगेंगी तो इसका मतलब है कि वो पक गई हैं। वापस इसको ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए लगभग 5 मिनट बाद चेक किया तो ये पक कर तैयार ही हैं। चलाते रहेंगे इसको, थोड़ी देर खुला ही रखेंगे, ढकेंगे नहीं, यूं ही चलाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। देखिए पानी इसका पूरी तरह से सूख गया है, हमारी सेवई बनकर तैयार हो गई है। खिली खिली सेवई बनकर तैयार हुई हैं। देखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये खाने में कितनी टेस्टी होंगी, देखने में इतनी अच्छी लग रही हैं। तो अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये बनकर तैयार हो गई हमारी सेवई।